देखने वाले एक सीवी कैसी बनाई जाती है। तो सीवी में सबसे ऊपर आ जाता है नेम, जो भी जिसकी भी सीवी है उसका नेम आ जाएगा ये यहाँ पे। उसके बाद ये तो फीमेल लिखवा, आप ये वर्ड मत लिखना फीमेल वाला, क्योंकि किसी फीमेल ने लिखा है। और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थडे अपना डाल लेना, कॉन्टैक्ट नंबर दो नंबर डालना, क्योंकि इनकेस अगर ये नहीं लगता तो ये तो लग जाए एटलीस्ट, है ना, दो नंबर डालना। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी अपनी देना, है ना, सेम टू सेम फॉर्मेट। अब आता है हमारे स्कूलिंग एजुकेशन, हम डालेंगे तो ये रहा स्कूलिंग का एजुकेशन। तो पहले तो स्कूल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया और कब हुआ ये टेंथ का, है ना। और ये जो दूसरा स्कूल आपने जो 12-14 से ये किया हो तो टाइम भी लिख देना कब से कब तक। और ये रहा जो टेंथ में किया हो कौन से बोर्ड से, सीबीएसई ईयर ऑफ पासिंग, ये परसेंटेज। तो सीजीपीए में तब मिलता था तो सीजीपीए में आप लिख सकते हैं ना, सीजीपीए में लिखोगे जब मिला। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिला हुआ है 12th का सीबीएसई ये, और यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो। तो इस सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप जो कॉलेज में हो, कॉलेज की क्वालिफिकेशन, तो पहले तो आप क्या कर रहे हो, तो बीए एलएलबी कर रहे हो, कहाँ से, कॉलेज का नाम। फिर लास्ट में कॉलेज के नाम के बाद आप लिखोगे यूनिवर्सिटी का नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे गुरु गोविंद सिंह में मेरा है और ये मैंने लिख रखा है 10th सेमेस्टर, फिर 10th सेमेस्टर का है। अब देखो यहाँ पे सारे सेमेस्टर जो अभी तक हमारे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे मतलब यहाँ से लिखे हुए हैं। अब सब कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से आईपीयू, ये है ईयर, ये है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग में हो और डिप्लोमा करके डायरेक्ट आए हो तो उसमें अलग हो सकता है ना कॉलेज, लेकिन लॉ का है ये तो इसमें सब सेम ही है, बट आप लिख देना अच्छा रहेगा। ये ईयर कौन कौन से थे, ये एक साल में दो सेमेस्टर होते हैं ना, तो ये दो 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 दो, तो इससे समझ में आ जाएगा कोई बैक नहीं है। यहाँ पे आपके परसेंटेज पर सेमेस्टर में, अगर आ गया है तो लिख देना, नहीं आया तो यहाँ पे पेंडिंग वो लिख देना, नॉट येट रिसीव्ड, या तो उसे डालना ही मत, वही सही रहेगा। अब यहाँ आता है आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है। तो ये इंटर्नशिप का है, समर इंटर्नशिप, समर लीगल इंटर्नशिप। देखो अब इसको देखते हैं, इंटर्नशिप एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 अंडर प्रोमिनेंट लॉयर, उस लॉयर का नाम, कितने दिन के लिए के वो, वहाँ पे आपने क्या क्या चीजें सीखी, टाइपिंग, अटेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, रीडिंग केस फाइल्स, ये चीजें देखी। फिर आता है आपके सामने इंटर्न, अगर आपने समर में कहीं और भी लीगल इंटर्नशिप करी है तो वो भी आप लिख सकते हो कि आप एडवोकेट यहाँ पे करी है, वो कितने, फॉर द पीरियड ऑफ फोर मंथ्स, 4 महीने के, जिसके अंदर आपने ड्राफ्टिंग रिटर्न स्टेटमेंट देखा है कैसे लिखते हैं, विजिटिंग न्यूमेरियस कोर्ट्स एंड क्लोजिंग अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ द कोर्ट, लाइक आपने देखा कि कैसे कैसे सारे कोर्ट्स काम करते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो अपने अंदर, जो भी आपने वहाँ पे सीखा है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मल लीगल कोड ऑफ कंडक्ट, डिस्कसिंग मैटर विद लॉयर्स इन द कंपनी, अटेंडिंग एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग, हैंडलिंग केस रिलेटेड डिवोर्स नेगोशिएशन, अदर मिसलेनियस कोर्ट वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, इंटर्न किया है तो वो लिख सकते हो, मतलब जो जो आपने इंटर्न किया है उसी का, ठीक है। लीगल रिसर्च वर्क अगर आपने किया है तो वो, जैसे इंटर्नशिप एज लेक्स इंडिया लॉ ऑफिस, इतने से इतने तक टाइम भी आपको लिखना होता है ना, जहाँ से इंटर्नशिप करिए, तो आप रिसर्च पेपर करिए, जो जो आप बना के वहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कंटेंट राइटर इंटर्न, मतलब आपने कहीं पे लिखा है तो वो सब देखो यहाँ पे, जैसे कि इंटर्नशिप एट ये इस तरह से इस तरह तक रिसर्च वर्क किया और अलॉटमेंट टॉपिक्स पर, जैसे राइटिंग आर्टिकल्स, एक्सप्लेनेशन, यूजेस ऑफ डिफरेंट अलॉटेड लीगल टर्म्स, कंटेंट राइटर इन टर्म्स, तो आप वो भी लिख सकते हैं ना, जो जो आपने लिखा अभी तक वो सारे यहाँ पे लिख सकते हो, रिसर्च वर्क भी आप यहाँ पे, क्योंकि वो आपकी क्या है, एक प्लस पॉइंट्स है, तो वो आपको लिखना चाहिए। कंटेंट राइटर इंटर्न, आपने कहीं पे कंटेंट लिखा है किसी लॉ जनरल में, वो सब भी लिखना है। कोर्सेज आपने कौन कौन से किए हैं, नेशनल वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइज बाय दिस ऑफ, ये सारा आप लिख देना है ना, डॉक्टर आर के बी लॉ कॉलेज असम ऑनलाइन मोड, इस तरह आपका, अगर आपने ऑनलाइन कोई वेबिनार लिया है उसके अंदर भी आपको सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप डाल सकते हो, और कुछ अवार्ड या पेपर प्रेजेंटेड आपको हुआ है, कभी आप जीते हो ऐसे या इन सब चीज़ों में, तो वो भी, पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार बाय काउंसिल ऑफ इंडियन ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, पार्टिसिपेटेड इन न्यूमरस वेबिनार्स, ये सारा आप इसके अंदर रिज्यूम, ये सारा आपके स्किल क्या है पर्सनल, तो अगर आप यूट्यूब चैनल भी अर्न करते हो तो वो भी आपका एक स्किल है कि आपने वो कर रखा है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करी, अपने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जिसमें आप लोगों को अपनी बात रख रहे हो, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें आपके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आप सोशल मीडिया से भी अवेयर हो, ये सारे जो जो आपके अंदर स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, जो है वो सारे आप लिख सकते, तो बस इतना ही है। फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि एक बार समर अप हो जाए। देखो पहले नेम, यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थडे, कॉन्टैक्ट नंबर, दो कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, स्कूलिंग क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप जो कॉलेज में, कॉलेज की क्वालिफिकेशंस,
कितने कितने नंबर है, फिर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस जो आपने इंटर्न करी है, वेबिनार अटेंड किया, तो सब यहाँ पे लिखोगे, टाइम ड्यूरेशन और वहाँ पे आपने सीखा क्या है वो भी, ठीक है। आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई रिसर्च पेपर किया है, या साथ साथ आपने कोई कोर्स भी कर लिया है, सपोज करो रीडिंग स्किल्स, ये सारे कोर्सेज किए हैं, तो वो सब भी आप लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट आपके किस चीज़ में, वो भी आप डाल सकते हो, है ना। और स्किल आपका क्या, आपके चीज़ में, फॉर एग्जांपल किसी के स्पीकिंग स्किल होता है, किसी का एजुकेशन, मतलब लेक्चर्स पर बढ़िया बता सकता है, सबका अलग अलग, किसी की इंग्लिश अच्छी है, कोई स्मार्ट वर्क है, वो सारे आप इसमें डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।